का मतलब आपके घुटने का जो कार्टिलेज है वो इस तरह से घिस गया है। तो दोस्तों ये होता है एक नॉर्मल कार्टिलेज घुटने का, जब वो घिस जाता है तो इस तरह का होता है और दर्द होने लगता है। अगर आप अर्ली स्टेज में डॉक्टर के पास जाते हो तो वो ACP ऑटोलोगस कंडीशन प्लाज्मा या PRP की मदद से आपके कार्टिलेज को रीजनरेट कर सकते हैं, ये आप ही के ब्लड से बनता है। सो वापस हम इस स्टेज पे तो नहीं पहुंचते पर हमारा पेन खत्म हो जाता है और हमें नी रिप्लेसमेंट की जरूरत नहीं पड़ती। पर अगर आप इस स्टेज में ट्रीटमेंट नहीं लेते धीरे 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 घुटने ऐसे घिस जाएंगे। अब ऐसे घिस जाएंगे तो सिर्फ एक सॉल्यूशन रहेगा, वो है नी रिप्लेसमेंट। सो अगर आपके घर के अंदर लोग हैं जिनको घुटने में दर्द चालू हो गया है, वो डर रहे हैं कि नी रिप्लेसमेंट नहीं कराना है या उनको डर लग रहा है और हम चाहते हैं कि बिना सर्जरी के हम कैसे ठीक हो सकते हैं, सो हम PRP या ऑटोलोगस कंडीशन प्लाज्मा की मदद से उनके घुटने में कार्टिलेज रीजनरेट कर सकते हैं, दर्द कम कर सकते हैं। पर उसी इंसान में ये काम करता है जो रेगुलर एक्सरसाइज करता है। रेगुलर एक्सरसाइजेस हमारी गाइडेंस में होती है, ऐसा नहीं कि आप जो मना है वो एक्सरसाइज कर रहे हैं। हर पेशेंट के नी पेन के हिसाब से उनका एक पर्टिकुलर फिजियोथेरेपी सेट बनाया जाता है और वो धीरे 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 इंक्रीज होता रहता है, तभी कार्टिलेज रीजनरेट हो पाता है। ऑर्थो स्पोर्ट्स इंजरी के साथ भी, इंजरी के बाद भी।